नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है चंडीगढ़ से यशवंतपुर बेंगलोर तक चलने वाली कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है चंडीगढ़ यशवंतपुर कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 22686। यह जो ट्रेन है चंडीगढ़ से यशवंतपुर बेंगलोर के बीच में हफ्ते में दो दिन चलती है। चंडीगढ़ जंक्शन से हर मंगलवार और शनिवार को यह ट्रेन जो है यशवंतपुर के लिए रवाना होती है। 50 घंटे 30 मिनट में अपनी जर्नी जो है चंडीगढ़ से यशवंतपुर तक पूरी करती है और इसके तकरीबन 19 स्टेशंस हैं। 2875 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। ICF कोचेज वाली ट्रेन है। पुणे में इसका इंजन जो है रिवर्स होता है और अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। तो सभी चीज़ों को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चंडीगढ़ यशवंतपुर कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के रूट मैप के बारे में। ये जो ट्रेन है पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से स्टार्ट होती है, बाद में अम्बाला पानीपत होते हुए दिल्ली में पहुँचती है। दिल्ली के बाद ये झांसी होते हुए भोपाल पहुँचती है, फिर पुणे के थ्रू ये ट्रेन जो है कर्नाटका के यशवंतपुर जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का चंडीगढ़ से यशवंतपुर तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कन्फर्म हो जाएगा। इसमें वैसे फर्स्ट ए सी, सेकेंड ए सी, थर्ड ए सी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। फर्स्ट एसी की अगर बात करें तो चंडीगढ़ यशवंतपुर कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का चंडीगढ़ से यशवंतपुर तक का फर्स्ट एसी का किराया है 6110 रुपये, जिसमें 5684 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 75 रुपये है, GST चार्ज 291 रुपये है। टोटल किराया 6110 रुपये है। ये तो होगी फर्स्ट एसी की बात। बाकी इसमें सेकेंड एसी के कोच भी हैं, जिसका चंडीगढ़ से यशवंतपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 3570 रुपये, जिसमें 3305 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 170 रुपये है। टोटल किराया 3570 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का चंडीगढ़ से यशवंतपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 2445 रुपये, 2243 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है और GST चार्ज जो है वो 117 रुपये है। बाकी स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 8 कोच हैं, जिसमें आपको GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास का चंडीगढ़ से यशवंतपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 950 रुपये, जिसमें 900 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, 30 रुपये सुपर फास्ट चार्ज शामिल है। इसके अलावा जनरल डिब्बों के तकरीबन 6 कोच हैं, जिसका टोटल किराया लगभग 650 रुपये के करीब है। ये किराया आप किसी भी रेलवे टिकट काउंटर से कन्फर्म कर सकते हैं और अन्य किराए जो है वेबसाइट से भी आपको कंफर्म हो जाएंगे। तो लगभग इसका 650 से 690 रुपये के करीब किराया है चंडीगढ़ से यशवंतपुर तक का। इसके अलावा चंडीगढ़ से यशवंतपुर तक चलने वाली कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही डायरेक्टली चार्जेस जो है पे करने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात करेंगे इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे चंडीगढ़ से यशवंतपुर तक चलने वाली कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का क्या टाइम टेबल है। ये जो ट्रेन है चंडीगढ़ जंक्शन से हर मंगलवार और शनिवार को रात को 3:35 पर ये रवाना होती है 2 नंबर प्लेटफॉर्म से, और 50 घंटे 30 मिनट बाद ये ट्रेन जो है यशवंतपुर जंक्शन कर्नाटका बेंगलोर में पहुँचती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन से 2875 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है अम्बाला कैंट जंक्शन, जो कि हरियाणा का स्टेशन है। यहाँ पर कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है सुबह 4:20 पर पहुँचती है और 4:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 44 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद चंडीगढ़ से यशवंतपुर तक चलने वाली कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है हरियाणा के पानीपत जंक्शन में पहुंचती है सुबह 5:36 पे और 5:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है पानीपत से निकलकर नई दिल्ली में पहुंचती है। नई दिल्ली में इसका पहुंचने का समय है सुबह 7:50 पे और 8:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है। 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 261 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है यहाँ तक। इसके बाद चंडीगढ़ यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन नई दिल्ली में पहुँचती है
सुबह 8:26 पे और 8:28 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद सीधा ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मी बाई जंक्शन या झांसी जंक्शन में दोपहर के 2:15 पे पहुंचती है और 2:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद चंडीगढ़ यशवंतपुर कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है भोपाल जंक्शन में शाम के 6:20 पे पहुंचती है और 6:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 963 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। भोपाल जंक्शन के बाद यह सीधा महाराष्ट्र में पहुंचती है। महाराष्ट्र के पहले स्टेशन भुसावल जंक्शन में रात के 12:50 पे पहुंचती है और 12:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। चंडीगढ़ से यहाँ तक की जो दूरी है 1361 किलोमीटर के करीब जो है ये कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद महाराष्ट्र के दूसरे स्टेशन पे कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है मनमाड जंक्शन में रात के 3:15 पे पहुंचती है और 3:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1780 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा 1545 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है अपने टेक्निकल स्टॉप दाहौद कॉर्ड लाइन में सुबह 8:00 पहुंचती है और 8:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1780 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पुणे जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 11:05 पे पहुंचती है और 11:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है, 1 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। यहाँ पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है। इसके बाद मिरज जंक्शन महाराष्ट्र का जो आखिरी स्टेशन है यहाँ पर शाम के 4:35 पे पहुंचती है और 4:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2117 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कर्नाटका के पहले स्टेशन बेलागवी रेलवे स्टेशन में ये शाम के 6:50 पे पहुंचती है और 6:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बेलागवी के बाद चंडीगढ़ से यशवंतपुर तक चलने वाली कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है धारवाड़ कर्नाटका में रात के 9:18 पे पहुंचती है और 9:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2390 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने अगले स्टेशन SSS हुबाली जंक्शन में यह ट्रेन जो है रात के 10:00 पहुंचती है और 10:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहाँ तक की जो दूरी है 2411 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो दावणगेरे रेलवे स्टेशन पे रात के 12:28 पे पहुंचती है और 12:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है DVG। इसके बाद चंडीगढ़ यशवंतपुर कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो अरसीकेरे जंक्शन कर्नाटका में रात के 2:38 पे पहुंचती है और 2:30 पे वहाँ से रवाना 2:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2715 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। टुमाकुरू रेलवे स्टेशन कर्नाटका में सुबह 4:00 पहुंचती है और 4:02 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहाँ तक की जो दूरी है 2811 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद चंडीगढ़ से यशवंतपुर तक चलने वाली कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन यशवंतपुर जंक्शन बेंगलुरु कर्नाटका में सुबह 6:05 पे पहुंचती है और 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो दूरी है चंडीगढ़ से यशवंतपुर बेंगलुरु तक की वो 2875 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपके कोई सुझाव भी हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।